तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैष्णव सकाफत। तो आइए हम आपको अपने न्यू ब्लॉग पर लेकर चलते हैं। गोवर्धन पूजा, आज गोवर्धन पूजा है ब्रज में, तो हम गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं और इसमें क्या क्या व्यंजन बनते हैं, इसका क्या महत्व है। तो गोवर्धन पूजा हम इसीलिए करते हैं क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर सारे ब्रजवासियों को भारी बारिश के संकट से बचाया था। ये भारी बारिश किस कारण हुई थी? ये बारिश इसी कारण हुई थी क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं, फल फूल तो हमें ये पर्वत देता है। तो गांव वालों ब्रजवासियों ने पर्वत की पूजा की। ये बात जब इंद्र भगवान को पता चली तो उन्होंने भारी बारिश की गुस्से में आकर, जिससे कि पूरा ब्रज पानी पानी हो गया। फिर श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर इस पर्वत को उठाया और सारे ब्रजवासियों को इस संकट से बचाया। तो तभी से हम ब्रजवासी इस पूजा को करते हैं और इसमें अन्नकूट बनाया जाता है, जिसमें कढ़ी, चावल, दाल, बाटी, चूरमा और भी बनाते हैं। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं बाटी की ओर। ये देखिए अभी ये आग में लगी है, अभी ये आग में पक रही हैं। और भी हमने चूरमा भी बनाया है और चावल भी, बाजरा भी। और ये हमारे गिरिराज जी भगवान है जो हमने अपने हाथों से बनाए, हमारी माँ ने। ये देखिए आज इन्हीं की परिक्रमा।